सोचे, बड़ी बड़ी लाइटें होंगी, हमारे घर में प्रकाश होगा, जनरेटर होगा अगर बिजली नहीं आएगी, हम और भी सुविधाएं होंगे, और जो भी आपने लाइट का इंतजाम कर रखा वो सब फेल हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 8:10-11 पद में तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरी फूकी तो कौन सी विपत्ति आई, इसके विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 8:12-13 तक के विषय में कि परमेश्वर का वचन जो है, जब चौथा स्वर्गदूत तुरी फूकता है तो कौन सी विपत्ति यूहन्ना आती हुई देखता है। जी हाँ, चलिए पहले इन पदों को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और 1 दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाओ को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 सरदूतों की तुर्री के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। या परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष। अब यहां पर जो है एक विशेष बात 12वें पद में है। पहले हम 12वें पद को देखेंगे कि यहां क्या परमेश्वर का वचन कहता है। सूर्य चांद तारों और दिन तथा रात के 1/3 के भाग में अंधेरा जो है वो रहा। सूर्य चांद और तारों के विषय में भविष्यवाणियां जो है वो की गई हैं। इसको देखते हैं कि वो भविष्यवाणी जो है खासतौर से सूर्य चांद और तारों के विषय में जो है वो की गई है क्या है। यशायाह जब 13:10 पद पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। यहां देखिए, यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आने वाला समय जो है, जो भविष्यवाणी यशया कर रहा है कि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया जो है वह अंधकार में डूब जाएगी, पूरी दुनिया के ऊपर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में जो है वो इंसान जो है वो रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अब एजिकेल में क्या लिखा हुआ है, एजिकेल 32:7-8 पर, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, ध्यान दीजिएगा ये वही समय है, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा, मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा, आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सब की मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरे देश में इस संसार के ऊपर, यानी सूर्य का प्रकाश हो चाहे चांद का प्रकाश हो चाहे तारों का हो, सबका जो है प्रकाश बंद हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना बंद हो जाएगा। जो हम चांद को कहते हैं फुल पूर्णिमा में जब वो अपने उसमें चमकता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है, वो रोशनी खत्म हो जाएगी। सूर्य जब उदय होता है तो एक नई सुबह, एक नया दिन निकलता है, लोग आनंदित होते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। सोचिए किसी दिन सूर्य उदय नहीं होगा, उस दिन क्या होगा, चमकेगा ही नहीं, उस दिन क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं देश में तेरे कारण, अब यहां लिखा है कि मैं तेरे कारण तेरे देश में अंधेरा हो जाएगा। मेरे कारण मैंने ऐसा क्या कर दिया, अब आप कहोगे कि हमने ऐसा कर रहा, परमेश्वर कह रहा तेरे कारण, यानी हर एक इंसान इस बात को यह समझ ले कि उसके कारण अंधेरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारण सूर्य और चांद का चमकना बंद हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा है, बिता नहीं रहा है, वो बुराइयों में लगा हुआ है। हर इंसान बुराइयों में लगा हुआ है, जो इंसान बुराइयों में लगे हैं और सिर्फ बुरा और बुरा सोच रहे हैं, बुरा और बुरे विचारों से ग्रस्त हैं, बुरे और बुरे विचारों से भरे हुए हैं और बुरा और बुराई कर रहे हैं,
उनके कारण। अब ये सोच लीजिए, वो कह रहा तेरे कारण, यानी हमारे कारण सूर्य चांद और तारों का चमकना परमेश्वर बंद कर देगा। हमारे कारण का मतलब हमारी बुराइयों के कारण, हमारे पापों के कारण। सोच कितनी मतलब भयंकर बात है, कोई और नहीं है, किसी और कारण का नहीं है, हमारी अपनी गलतियों के कारण इस दुनिया में हम मुसीबतों को ला रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध के कारण जो है विपत्तियां आ रही, क्योंकि हम बुरा ही कर रहे हैं और इसलिए परमेश्वर क्रोधित है और ये विपत्तियां जो है आ रही, हमारे कारण आ रही हैं। योएल 2 अध्याय उसका 10 और 31 पद, 10वां पद है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। 31 पद, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। योएल 3:15 में भी लिखा है, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे। अब देखिए ये जो भविष्यवाणी है, परमेश्वर का वचन जो है, ये भविष्यवाणी को पूरा करने से पहले परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 12 पद में एक छोटी सी झलक दिखाई है। सूर्य चंद्रमा और तारों का 1/3 भाग जो है वो अंधेरा हो जाएगा और दिन में भी 1/3 जो है वो अंधेरा रहेगा। अब यहां पर लिखा ना रात में भी, आप कहोगे रात में भी 1/3 भाग पर अंधेरा, रात में तो वैसे ही अंधेरा होता है। जी हाँ, मगर ध्यान दीजिएगा, जब रात की भी बात आई है वैसे ही रात में भी होगा, यानी रात और भी अंधेरी हो जाएगी। पहली चीज, आपकी जो लाइटें हैं, जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं वो भी काम नहीं करेंगी। इसका मतलब जो है ये ध्यान करिएगा कि आप सोचे बड़ी बड़ी लाइटें होंगी, हमारे घर में प्रकाश होगा, जनरेटर होगा, अगर बिजली नहीं आएगी हम और भी सुविधाएं होंगे, और जो भी आपने लाइट का इंतजाम कर रखा वो सब फेल हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यहां लिखा ना 12वें पद में लिखा है, उनका 1/3 अंग अंधेरा हो जाएगा, दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। अब आप कहोगे रात में भी, यानी चांद भी अगर फुल मून होगा उस दिन, पूर्णिमा का दिन होगा उस दिन, तो ये समझ लीजिएगा उसका भी प्रकाश इस पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। ये ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान की बुराई इतनी बढ़ गई है। इंसान सोचे यार रात में कैसे अंधेरा, रात और अंधेरी हो जाएगी और काली हो जाएगी और किसी भी प्रकार का प्रकाश जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, आप पढ़ लीजिए कि जब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मिस्र के अंदर जब परमेश्वर ने विपत्तियां डाली थी, जब आप निर्गमन 10 अध्याय पढ़ेंगे उसका 22-23 पद से पढ़िएगा कि सारे मिस्र पर घोर अंधेरा था। भाई राजा के महल में भी, आप सोचिए राजा के महल में भी घोर अंधेरा था। क्या राजा ने व्यवस्था नहीं कर रखी थी? क्या राजा के यहां जो लाइट सिस्टम था उसकी व्यवस्था नहीं होगी? बड़ी बड़ी मशाले होंगी, बहुत सी मशाले होंगी और चारों तरफ मशाले जलती होंगी, आग का बंदोबस्त करा होगा, मगर वो उस आग ने भी, उस मशालों ने भी जो है उस अंधेरे को दूर नहीं किया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है जो इज़राइली थे जहां रहते थे उनके घरों में उजाला था, सिर्फ पूरे मिस्र के ऊपर अंधेरा था। ये जो मिस्र के अंदर जो दिखाया गया ना, ये एक झलक है उसकी, वो इस दुनिया में जो आने वाली है, वो नमूना जो है वो दिखाया गया है कि कैसे एक राजा के महल में, आपके घर में भी कितने भी बंदोबस्त क्यों ना हो, कुछ भी नहीं हो पाए, अंधेरे में पूरी दुनिया डूब जाएगी। और परमेश्वर क्या कहता है फिर अमोस की पुस्तक में, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अमोस 5 अध्याय उसका 14वां पद में, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई को मत ढूंढो, बुराई में मत लगे रहो, भलाई को ढूंढो, भलाई में लगे रहो ताकि हम जीवित रह सके और हम ये देख सके कि हाँ सेनाओं का जो परमेश्वर है, जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, जो सेनाओं का यहोवा है वह हमारे संग है। परमेश्वर कहता है वो विपत्ति जो है वो आने वाली है और ये जो विपत्ति है अंधकार की,
अब सोचिए पूरा अंधकार जब हो जाता तो कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, और ये होने वाला है। और फिर क्या लिखा, 13वां पद जरा ध्यान दीजिएगा, 13वें पद को मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाओ को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुर्री के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर, हाय हाय हाय। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यूहन्ना आकाश के बीच में एक स्वर्गदूत को उड़ते हुए देख रहा है। अब यहां पर जो है उकाओ लिखा, उकाओ का मतलब कि ऊंचे पर उड़ते हुए देख रहा है, और वो उड़ते ही चला जा रहा है और एक संदेश देता चला जा रहा है कि अब देखिए 4 विपत्ति हो गई। आपने 4 विपत्तियों के बारे में सुन लिया कि पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, कौन सी विपत्ति आई, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी कौन सी आई, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी कौन सी विपत्ति आई, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो कौन सी विपत्ति आई है? तो ये 4 विपत्तियां हो चुकी, मगर अब 3 विपत्तियां बाकी है। अब इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो 3 विपत्तियां आने वाली हैं, और स्वर्गदूत जो है वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहा है कि उन 3 विपत्तियों के कारण इस पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय, कि मतलब हाय हाय क्या मतलब, अब क्या होगा इनका, क्योंकि और भी उससे इनसे भी ज्यादा भयंकर विपत्तियां जो है अब आने वाली है। ये कैसे अब बच सकेंगे, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और उकाओ के बारे में हमने पढ़ा था कि ये उकाओ कौन है, जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 6 से 7 पढ़ेंगे, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुन्दर है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाओ के समान है। जी हाँ, ये जो है ये चौथा प्राणी है, इसको परमेश्वर ने जो है जो उकाओ के समान है भेजा है संदेश देकर इस पृथ्वी पर कि सुना दे, अभी तक 4 विपत्तियां आई हैं मगर मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता महसूस हो रहा है, मगर आप ध्यान करें अब जो विपत्तियां आने वाली हैं उसके कारण हाय 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 जो है वो है। अब ये हाय जो है कहां स्वर्ग में हो रही, कि हाय अब इन्हें कौन बचा पाएगा, हाय ये कैसे बच पाएंगे, हाय अब इनका क्या होगा, हाय ये तो मरे जाते हैं। अभी तो हम लोग ने हाय क्या कर लिया है, एक बड़ा अच्छा हाय है, हाय कैसा है तू, हाय कैसी है तू है? अब यही हाय जो है हमें ले डूबेगी, और ये जो है पृथ्वी पर जो आने वाली है, हम देखें कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब और विपत्तियों के बारे में जरा तैयार रहे, इससे भी इन 4 विपत्तियों से भी भयंकर अब 3 विपत्तियां और जो है वो आने वाली है। तैयार करें कि वो कौन सी है, क्या बच सकते हैं, क्या बचा सकते हैं। एक ही तरीका है बचने का, अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दो, बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढने लगे, भलाई के पीछे भागे बुराई के पीछे नहीं, बुराई को छोड़कर भलाई करें, ताकि परमेश्वर की उन जब इस पृथ्वी पर बुरे लोगों के लिए जब विपत्ति भेजने जा रहा है तो उन विपत्तियों से बच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।